भौजी क्या कर रहे थे, हमको पूजा तो खत्म कर लेने थे। अरे भौजी तुम्हारी पूजा तो ऊपर वाले ने भी सुन ली। मतलब ये देखा हमारी नौकरी लग गई, अब हम ही गांव में नहीं रहेंगे। हम यही रहेंगे और इसी गांव में। ठीक है भौजी हम यही रहेंगे, लेकिन तुमने ई का फाड़ दिया, ई तो हमारी नौकरी का कागज है। चाचा हमने तुझे ई सोच के नहीं पढ़ाया कि तू पढ़ लेके नौकरी करे। सबका भौजी इधर आ। ई देख हम तो कई बार से पढ़ाए लिखाए कि तू पढ़कर वकील बन सके और अपनी वकालत से अपने भैया के इस कमीज पर लगे खून के धब्बों को इंसाफ दिला सके, गांव वालों को आजादी दिला सके जो बरसों से जमींदार के जुल्मों की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अरे हराम खोरो काम क्यों नहीं कर रहे? अपनी जबान में लगाम डालकर बात करो ठाकुर, अब गांव का कोई भी मजदूर तुम्हारा काम नहीं करेगा। काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या? हम अपने आप को पेट की आग में जला डालेंगे ठाकुर, मगर दो मुट्ठी अनाज के लिए गांव की किसी भी दूसरी धनिया को तुम्हारी हवस का शिकार नहीं होने देंगे। हाँ। अपनी जोरू की इज्जत लुट जाने की शर्म में अब कोई रामेश्वर खुदकशी ना ही करेगा। सोच लो अच्छी तरह से कि कहीं थूक कर चाटना ना पड़े, कल को फिर हमारे कदमों के नीचे आकर अपना सर झुकाना ना पड़े। गरीब जब सर उठाता है तो आसमान को भी झुकना पड़ता है ठाकुर। हमारे इरादे अटल हैं, हम जान दे देंगे, एक एक करके शहीद हो जाएंगे, मगर तुम्हारी गुलामी ना ही करेंगे। देख लिया जिनके साथ मिलकर तू हमसे बगावत करने आया था वही तेरा साथ छोड़ा, लेकिन तू फिक्र मत कर हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, मेरा मतलब है जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ऐसी मौत मारेंगे तुझे कि आज के बाद कोई भी गांव वाला हमारे सामने सर जुर्रत नहीं करेगा। एक ही गोली में डर के भाग गया, तू तो शहीद होना चाहता था, आज तुझे शहीद बनाकर ही वापस जाएंगे। भैया क्या हो गया? भैया भैया उठो ना, तुम बोलो ना भैया।